अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़ुहैब अकरम खान वर्किंग एज अ लेक्चरर फिज़िक्स एट गवर्नमेंट कॉलेज खानेवाल। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑन हाउ टू क्रैक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चररशिप 2020 टिप्स एंड ट्रिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व the lectureship 2015 exam paper. Their answer are best to my knowledge. So let's start with first question, which is a vector is a tensor of rank. Scalar ka rank 0, vector ka rank 1, matrix ka rank 2, aur isse greater ranks ko hum टेंसर्स ऑफ हाई रैंक कहते हैं। तो वेक्टर के लिए द बेस्ट ऑप्शन विल बी ऑफ रैंक 1। दो ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं जब उनका कम्यूटेटर 0 के इक्वल होता है। सो दो ऑपरेटर्स ए और बी जब उनका रिजल्ट 0 के इक्वल तो ये कम्यूट करेंगे। सी विल बी द बेस्ट ऑप्शन। ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपके सामने है। इसके अलावा मैक्सवेल्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस और इंटीग्रल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स के लॉस के मुताबिक जीरोथ लॉ इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल, फर्स्ट लॉ एनर्जी प्रिंसिपल, सेकंड लॉ एंट्रोपी, जबकि थर्ड लॉ टेम्परेचर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स द रेंज ऑफ वेरिएबल फाई इज फ्रॉम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में थीटा वेरी करता है 0 से 2 पाई के दरमियान, जबकि फाई वेरी करेगा 0 से पाई के दरमियान। इस तरह रो या आर 0 या 0 से ग्रेटर होगा। सो बेस्ट ऑप्शन विल बी सी 0 टू पाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर ऑफ रैंक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। 3x3 का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ये टेंसर की सेकेंड रैंक की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी सेम व्हेन द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शंस आर, बेस्ट ऑप्शन इज 30 एंड 60। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप को दिए गए ऑप्शन को आप ऐड करें तो जिसका आंसर 90 आएगा वो बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स को देखें तो चैप्टर नंबर 3 में इस एमसीक्यूज के हवाले से एक पॉइंट टू पॉइंटर दिया गया है, जिसमें पूछा जाता है कि एंगल 30 और 60 इनकी रेंज इक्वल क्यों है। द वर्क डन बाय कंपाउंड पेंडुलम इन वन कम्प्लीट ऑसिलेशन विल बी 0, क्योंकि पेंडुलम एक कम्प्लीट ऑसिलेशन के बाद अपनी इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाएगा, और वर्क क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है और वो इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करती है, तो पेंडुलम चाहे वो कंपाउंड हो, टॉर्शनल हो, सिंपल पेंडुलम हो, उसका इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाने से डिस्प्लेसमेंट 0, सो वर्क विल बी 0। अ मैन इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्स वेट लेसनेस बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज इक्वल टू द सेंटीपिटल फोर्स। करेक्ट आंसर होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस हो जाएगी विद सेंटीपिटल फोर्स और वेट लेसनेस की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। The component of a vector p along y-axis is p by 2.
The angle made by vector with the horizontal is. हमारे पास एक वेक्टर p है और इसके दो कंपोनेंट होंगे px, py. px p cos of theta, py p sin of theta. क्वेश्चन में y कंपोनेंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम y कंपोनेंट को लिख लेंगे. क्वेश्चन में बताया गया है कि y कंपोनेंट p मैग्नीट्यूड बाय 2 के इक्वल है और एंगल आपसे पूछा जा रहा है. सो हम इसे सॉल्व आउट करेंगे और थीटा के लिए इक्वेट कर लेंगे. ERG स्टैंड फॉर इन FSC सेकंड ईयर चैप्टर 12 डिजिटल बुक पे मिस प्रिंट है. आपको PTB की बुक में यहाँ ERG ही मिलेगा. सो ERG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी. सो इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी विल बी द करेक्ट आंसर. इज इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में इंटरफेरेंस भी होती है, डिफ्रैक्शन भी होती है, जबकि पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में हुआ करती है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पोलराइजेशन नहीं होती. तो आप पोलराइजेशन के ज़रिए फ़र्क कर सकते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के दरमियान. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ ट्रेवलिंग वेव. फर्स्ट ऑप्शन विल बी ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ये रिप्रेजेंट करती है ट्रेवलिंग वेव इन अ नेगेटिव डायरेक्शन को. ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड. अगेन हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल है साउंड वेव. तमाम वेव्स में साउंड वेव्स को आप पोलराइज्ड नहीं कर सकते. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम पोलराइज कर सकते हैं. अल्टरनेटिव करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट बाय रेक्टिफायर. FSC चैप्टर नंबर 18 द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिव करंट इनटू द डायरेक्ट करंट रेक्टिफिकेशन. इटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. और ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल यहाँ पर डिफरेंट है. आप स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं इनपुट आउटपुट वोल्टेजेस को, जबकि डायनामो एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप DC करंट हासिल कर सकते हैं. डायनामो की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि साइकिल्स पर हम डायनामो को लगा देते हैं, जिससे मैकेनिकल एनर्जी से आप DC करंट हासिल करते हैं. एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इन अ LCR सीरीज सर्किट इज. रेजोनेंस के वक्त LCR सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर 1 के इक्वल होता है. टू पैरेलल वायर्स कैरिंग द करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर. अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू वायर्स. जबकि जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, अगेन अप्लाइंग द राइट हैंड रूल, अब यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगी. इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल द कूलम फोर्स विल बी. अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ हम इक्वेशन लिख लेंगे. यहाँ पर डिस्टेंस को हम ट्वाइस कर रहे हैं, सो स्क्वायर लॉ है, तो ये 4 टाइम डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, हमने 4 को कॉमन ले लिया, तो न्यू कॉलम फोर्स पहले से 4 गुना कम हो जाएगी. सो इट विल बिकम 1/4. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, 1/4
होगा, अगेन टाइपिंग मिस्टेक है, इस तरह की मिस्टेक पेपर में बहुत कम चांसेस हैं होंगी. द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल तो आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते न्यूट्रॉन को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. द पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इट्स इंटेंसिटी. पावर और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इक्वल्स पावर पर यूनिट एरिया, सो इंटेंसिटी के बढ़ने से पेनिट्रेशन पावर भी इंक्रीज होती जाएगी. अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन विल रिजल्ट इन डूइंग द एक्सटर्नल वर्क, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आइसोथर्मल कंडीशन टेम्परेचर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट. तो आप हीट भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क आपको करना पड़ेगा. द जी कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस पी, आर इज अ पोजिशन वैक्टर विच कैन बी रिप्रजेंटेड इन आर थ्री डिमेंशन स्पेस एज एक्स आई वाई जे एन सी के, और इसी तरह मोमेंटम को आप लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स आई वाई जी इंटू के एन के यूनिट वैक्टर्स. आर क्रॉस पी हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, और जी कंपोनेंट के लिए इसको हम सोल्व आउट कर लेंगे. अगेन देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल पेपर हैवीएस्ट क्लास ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, द करेक्ट आंसर इज बैरियंस. हैवीएस्ट के लिए बैरियन, और अगर लाइटेस्ट क्लास का पूछा जाता तो लेप्टॉन्स. द क्वांटम नंबर विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन डिस्क्राइबिंग द ऑर्बिट ऑफ एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज, वी हैव फोर क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. इन सभी में स्पिन सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप होगी या डाउन होगी. बाकी क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल ओरिएंटेशंस, तो करेक्ट आंसर यहां पर स्पिन क्वांटम नंबर होगा. द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम रिलेटिव टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इट्स न्यूक्लियस इज स्मॉलर. आयनाइजेशन एनर्जी एटम की, इसमें कूलम फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी, जबकि बाइंडिंग एनर्जी में न्यूक्लियर फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी, और न्यूक्लियर फोर्सेस 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर होती हैं कूलम फोर्सेस से, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस. सो दिस वाज द 1/4 ऑफ 2015 पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर फिजिक्स एग्जाम पेपर. इन कमिंग वीडियोस वी विल ट्राई टू सॉल्व द रिमेनिंग एमसीक्यूज़.